हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एंटरटेनमेंट। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ज्ञान की बात जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि आप लोग टीवी एड में देख ही चुके होंगे कि अब सब जगह बोला जा रहा है कि कोरोना को हराना नहीं है, कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करनी होगी, वो कैसे करेंगे आप, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी होगी रेगुलरली, और बिना मिस के ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं भी फॉलो कर रही हूँ, मेरे घर में भी सब फॉलो कर रहे हैं, मुझे मालूम है, वो आप लोग को भी मालूम हो, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं या जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं और मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें भी ये बातें मालूम हो। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, उसमें सारी जो चीज़ें मैंने बताई है उन सब चीज़ों को फॉलो करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले की कुछ वीडियो में बताया था, कोरोना जब स्टार्ट ही हुआ था मैंने कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे, तो तब बहुत कम केसेस थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। और हम कह नहीं सकते कि हमारे, अगर हम बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कि कौन कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो हमें क्या करना है, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, उनको रेगुलरली करना है, ताकि हम अंदर से स्ट्रांग रहे, और अगर इन केस कोरोना का वायरस हमारे अंदर आता भी है तो हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो कि वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हल्का सा गुनगुना करना है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे और बड़े बर्तन में ले लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहती हूँ
कि बताना ना भूलिएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत इसमें बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है इस वीडियो में। तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, और भी जो जानने वाले उनको शेयर कर सकते हैं, जिनको आप बताना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। बाकी कोई सजेशन है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे रखी है, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है pari.singh1005, वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। हाँ। बाकी मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि हर संडे के दिन खाली रहिएगा, संडे के दिन सभी फ्री रहते हैं। वैसे तो आजकल सभी फ्री रहते हैं, बट जो लोग फ्री नहीं रहते वो संडे के दिन फ्री रहते हैं। तो संडे के दिन मैं लाइव आया करूँगी, हर संडे, बिना कोई गैप करे, बिना कोई नागा की। तो संडे मैं लाइव आऊँगी, और बाकी वीक में अगर मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी। वैसे मैं दो दिन डिसाइड करना चाहती थी, संडे मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, एक और दिन मैं करूँगी, वो आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि कौन सा दिन डिसाइड करना चाहिए मुझे। ये संडे मिस हो चुका है, तो मैं सोच रही थी कि बीच में लाइव करूँ, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि किस दिन करूँ। तो कोई बात नहीं, संडे तो हमारा फिक्स है कि संडे के दिन मैं लाइव आऊँगी, और आप लोग भी आएंगे, और हम लोग बातचीत करेंगे, बहुत सारी समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। और बता सकते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, पुरानी जो वीडियोज़ मेरी हैं, जो मैंने एक वीडियो अभी डाली थी, और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई है। तो आप चाहते हैं कि मैं पुरानी लॉकडाउन से पहले वाली वीडियोस डालूं तो वो भी बताइएगा, और बाकी और कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं उस तरह की वीडियो, तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो जो वीडियो आपको लगता है कि शेयर करने लायक है, तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, ताकि और लोग भी देखें, और लोग भी मेरे चैनल से जुड़े। मैंने पूछा था कि वो कबूतर गया कि नहीं गया, कबूतर नहीं गया है, यहीं पर रह रहा है, अभी उसका पंख सही नहीं हुआ है, वो भी यहीं पर है, खा पी रहा है, मस्त है, मोटा तगड़ा हो रहा है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, लॉकडाउन को पार करिए, और सैनिटाइज़र यूज़ करिए बाहर जाते हैं तो, अदरवाइज हाथ अच्छे से धोइए, सामान जो बाहर से लाते हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करिए, फिर इस्तेमाल करिए, और चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।